मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की नागदा में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों ने कल विशाल जुलूस निकालकर एसडीएम आरपी सिंह को मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। नगरवासियों का कहना था कि कांग्रेस की सरकार ने जनता से वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनती है तो सभी कच्ची बस्तियों को पूर्ण दर्जा दिया जाएगा, तो अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना वचन निभाए। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की नागदा में भोपाल आईजी योगेश देशमुख और डीआईजी इरशाद वली के निर्देशानुसार लंबे समय से गांजे अफीम मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस के 25 वाहन और 300 पुलिस जवानों के साथ दबिश देकर 12 पुरुष 3 महिलाओं को मादक पदार्थों के साथ हिरासत में लिया है। भोपाल पुलिस की सबसे बड़ी कार्यवाही थाना तलैया क्षेत्र के स्टाफ सहित 250 पुलिस कर्मियों से ज्यादा की फोर्स, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। राजधानी पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले पूरे क्षेत्र पर मारी रेड। मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपियों के घर घर पर छापे मारे। राजधानी के इतवारा क्षेत्र में पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्यवाही। हम आपको बता दें कि राजधानी में काफ़ी लंबे समय से खुलेआम क्षेत्र में नशे की मंडी लगाई जा रही थी। यहां से काफ़ी लंबे समय से मादक पदार्थ सप्लाई होता रहा है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट।